स्टार प्लस का वो शो जिसको कुछ महीनों पहले ऑफ एयर कर दिया गया था, क्या इस शो को एक बार फिर रिक्रिएट किया जा रहा है? क्या इस शो को एक बार फिर एक नए चैनल पे लाया जा रहा है? आखिर वो कौन सा है चैनल और क्यों इस शो को रीरन कराया जा रहा है स्टार प्लस द्वारा? तो चलिए आपके साथ भी कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं जो एज एन फैन आपको शायद ना पता हो। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है रिक्रिएशन और रीरन का। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले ही स्टार भारत ने विदाई जैसे लॉन्ग रनिंग शो को एक बार फिर अपने चैनल पे कास्ट किया ताकि शो की टीआरपी इंक्रीज हो। दूसरी तरफ स्टार प्लस कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी ऐसे कई सारे पुराने शो को दोबारा से लेके आ रहा है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि स्टार प्लस और ये सारे ही चैनल अपने दर्शकों के पुराने दिनों को एक बार फिर ताज़ा करना चाहते हैं। लेकिन इसी मुद्दे पे स्टार प्लस ने एक अपने पुराने शो जो कि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, और ये शो है मेहंदी है रचने वाली, जिसको 2022 के शुरुआती दिनों में ही ऑफर कर दिया गया था। इस शो को इनके फैंस के लिए स्टार प्लस ने स्टार उत्सव पे एक नई डील कर दिया है। स्टार उत्सव पे ये शो 5 सितंबर से रात 10 बजे लॉन्च हो रहा है। और अगर आप इन शो के पुराने एपिसोड को देखना चाहते हो या फिर आप अगर रिक्रिएट वाले एपिसोड को देखना चाहते हो तो सीजन 1 को आप इंजॉय कर सकते हो। खैर, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। आप इस शो को लेके कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? साई केतन राव और शिवांगी केडकर के इस शो को क्या आप भी स्टार उत्सव पर देखना पसंद करोगे? आप अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जाते जाते मैं एक बार और आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक देख तमाशा टीवी का इसको अगर अभी तक आपने सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। अभी जाओ ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।